एनहांसमेंट टैब अगर आपके विंडोज में मिसिंग है तो मैं आपको एक बड़ा सिंपल तरीका बताने वाला हूँ जिसको यूज करते हुए आप बआसानी इस एनहांसमेंट टैब को अपनी विंडोज में वापस इनेबल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने जैसा कि आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन पे मेरी नजर आ रहा होगा, ठीक है, एनहांसमेंट टैब जो है यहाँ पे इनेबल हुआ हुआ है। तो मैं आपको, अगर आपके पास डिसेबल शो हो रहा है, ये एनहांसमेंट टैब यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम जुएब और आप लोग देख रहे हैं टेक साइबर विजन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के टाइटल से भी अंदाजा हो गया आपको कि बेसिकली आज का टॉपिक हमारा जो है एनहांसमेंट टैब के ऊपर है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको माई कंप्यूटर के राइट क्लिक करके मैनेज पे क्लिक करना है, देन आपने डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने साउंड पे क्लिक करना है, देन हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस पे राइट क्लिक करते हुए अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है। जैसे ही अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे होंगे, सर्च ऑटोमेटिकली एंड दूसरा ब्राउज माई कंप्यूटर। आपने यहाँ क्या करना है, ब्राउज माई कंप्यूटर कर देना है, ठीक है, और लेट मी पिक पे क्लिक करके यहाँ पे आपका जो ड्राइवर आपके सिस्टम में मौजूद होगा, ठीक है, उस पर आपने क्लिक करके नेक्स्ट कर देना। तो इस तरह का आपके पास एक विंडो पॉपअप होगा, आपने सिंपली इसको यस कर देना है, ठीक है। देन आपका सिस्टम जो है रीस्टार्ट एक दफा करके चेक करेंगे तो आपके पास एनहांसमेंट टैब उसी वक्त शो हो जाएगा, जैसा कि मेरे यहाँ पे वॉल्यूम स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रही हो। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, आपने यहाँ पे बेसिकली क्लिक करके अपडेट ड्राइवर पे जैसे आप जाएंगे तो आपने यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली नहीं करना है, कभी भी आपके पास ये एनहांसमेंट टैब इनेबल नहीं होगा। आपने हमेशा ब्राउज माई कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद लेट मी पिक करके खुद ही सिलेक्ट करके देन आपने नेक्स्ट करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।